केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊना पीजीआई अस्पताल के निर्माण पर फीडबैक ली। इस वर्चुअल बैठक में ऊना से उपायुक्त राघव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, चंडीगढ़ से पीजीआई के अधिकारी तथा नोएडा से हाइट्स कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 450 करोड़ की लागत से बनने वाले पीजीआई अस्पताल ऊना एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसकी समीक्षा जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दिल्ली से करेंगे। दिसंबर माह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पीजीआई व हाइट्स अभी से तैयारी करें। उन्होंने कहा कि नवंबर माह के अंत तक समीक्षा बैठक की तिथि निर्धारित भी कर ली जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीजीआई अस्पताल का प्रारंभिक नक्शा हाइट्स कंपनी ने तैयार किया है तथा जल्द ही डीपीआर बनाकर टेंडर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कंपनी को बिना देरी किए समय सीमा का ध्यान रखकर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि कंपनी जिला प्रशासन ऊना से बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजना के निर्माण में तेजी लाए। 33 KV 90 KV trigger. Now PGA 30 was supposed to punish the load rating of the substation. And if I understand, till date they have not supplied the